बंद करो ये अत्याचार। जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव है उसमें का क्या हुआ, आज भी हम 2012 में ही खड़े। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिला और बच्ची के लिए कहां क्या सोच सकते। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही है। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है, कम से कम वो लोअर कोर्ट तो तक तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है, उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात कर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव है उसमें काम का क्या हुआ, आज भी हम 2012 में ही खड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो भी मांगे हैं, सरकार उनकी मदद करे। 6 दिन हो गया, अब कहीं कोई कोई उस केस में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। अभी एक मुजरिम पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ है केस में, लग रहा है कि नहीं कोई और शामिल है। तो इस पे जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द चीजें सामने आने चाहिए, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। तभी तो 6 दिन हो गए, अब कुछ भी सामने नहीं आया, तो उसके माँ बाप को संतोष कैसे होगा? जो डॉक्टर्स बाहर हैं, उनको कैसे क्या आप करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, उन सारे मुजरिमों को, जो भी इसमें शामिल है, सबको अरेस्ट किया जाए, सबको सजा हो। और जो डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उसको सरकार आश्वस्त करे कि नहीं, हम आपकी मांग पूरे करेंगे, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हालात सुधरेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हो। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन की भी आवाज उठ रही है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये सरकार का अपना अपना वो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय कि जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबादले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, आप इस पे काम करिए। आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए और बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, लगातार अलग राज्यों से ऐसी खबरें आती हैं महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म होते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, और 2012 के बाद भी चीजें कितनी बदली हैं ये भी जानना चाहेंगे, और ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे इन केसेस में लगाम लगे। देखिए, 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है, तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी, उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को काट 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसेट दिया गया, किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी उनके उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो।